बोलो राजा किसने लिखा ये खत? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने लिखा, मुझे नहीं मालूम। और आज एक बरस के बाद पहली बार हमने एक दूसरे को समझा, पहचाना, है ना? तो दुनिया का कोई माँ बेटा मांगे नहीं, किसी को बेटा बनाए नहीं। प्यारी तुम्हें अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता? तुम्हारा सितार नजर आया। सितार नहीं रेशमा, वायलिन। सितार? वायलिन। सितार। तुम्हें पता है परदेसी, कल मेरा बाबू आ रहा है। ओ, जिसका मतलब है कल मैं तुम्हारा इंतजार न करूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें कभी किसी पर एतबार आएगा भी या नहीं? मोहब्बत में एतबार ही तो खो जाता है रेशमा, जानती हूँ। प्यार की राह में कदम कदम पर शक की दीवारें खड़ी रहती। बस तुम्हारी यही बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। अब कैसी हो जमीन? तुम ना पहुंचते तो मैं डूब जाती चांद। मैं अब्बा जान से कहूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई। सिर्फ कहने से क्या होगा, कोई इनाम दिलवाऊं ना? क्या चाहते हो? तुम्हें कहीं बुड्ढा सुन ना ले। उस बुड्ढे को तो मैं जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं जाने दो, बेचारे दिल का अच्छा है, बुढ़ापे ने उसका दिमाग फेर दिया है। ये बात है, उस बुड्ढे के लिए भी दिल धड़कने लगा है। देखो चांद, फिर ऐसी बात करोगे तो फिर डूब जाऊंगी। मैं फिर बचा लूंगा। मैं क्या हूं? प्यार पताने की नहीं पाने की चीज है रेशमा, इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किस तरह? किस तरह नहीं, बल्कि एक वक्त आता है जब प्यार किसी कांटे की चुभन की तरह खुद ब खुद महसूस होने लगता है। मगर वो वक्त कब आता? उसका कोई वक्त नहीं रेशमा, किसी भी दिन बाहर के पहले फूल की तरह अचानक ही वो वक्त आ जाता है। और जब वो वक्त आता है जानती हो क्या होता? क्या होता है? तब दुनिया की हर चीज के माने बदल जाते हैं, तब किसी की आंखों में झीलों की गहराइयां दिखाई देने लगती और उनमें डूब डूब जाने को जी चाहता। मैं सांप भी पकड़ना जानता हूं, और याद मैंने ये भी कहा था कि मैं राज कपूर नहीं। तो फिर आप हैं कौन? जो भी हूं, हूं बहुत अच्छा है ना? तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? राजकुमारी, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना। आज तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला?
बता दू, भरी बज्म में राज की बात कह दू,